अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और इस पर व्यूज़ नहीं आता, व्यूज़ डाउन होते जा रहा और आपका यूट्यूब छोड़ करने का मन कर रहा है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। वैसे तो हमारा ये काम नहीं, हम ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड मेथड सिखाते हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हो सकता है, उनकी व्यूज़ नहीं, उसकी व्यूज़ डाउन होते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर एक रियल मेथड बता दो कि आपके स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा कि आप किस तरीके से ये काम करना है कि आपका व्यूज़ करना शुरू हो जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर चैनल पर पहले बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ही मत भूलिए। अच्छा, जो लोग ट्रैक की बात कर रहे हैं ना, तो ये सरासर झूठ कोई भी किस्म का ट्रैक नहीं है। मैं आप लोग को सिर्फ 5 टिप्स दूंगा, आपने उस पर अमल करना है, इंशाल्लाह आप लोग का व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ट्रैक की बात कर रहे हैं तो ये सरासर झूठ है, आपने बिल्कुल इस पर काम नहीं करना। अच्छा, आप मैं आप लोगों को एक ऐसे 5 स्टेप दूंगा जिस पर इंशाल्लाह अगर आप अमल करें तो आपकी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं जो बताता हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अच्छा, जिसमें जो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने अपने वीडियो के अंदर ऐसे इंट्रो इस्तेमाल करना है। अब बताते हैं कि इंट्रो की है, मैं आप लोग मिसाल दूंगा। जब आप पहले वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने एक ऐसे अल्फाज को बोलना है जिसके साथ आपका वीडियो रैंक करेगा, लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस वीडियो के अंदर आखिर है क्या, कि इसने पहले में एक ऐसे लफ्ज इस्तेमाल आपने करना है कि जिस पर लोग आपकी वीडियो के अंदर रुक जाए, आपकी वीडियो मुकम्मल एंड तक देखे। इसी तरीके से आप लोगों का इंट्रो एक ज़बरदस्त इंट्रो बनाना है। आप इंट्रो की समझ में हमें आज शायद आ चुका है आपके, ठीक है ना। तो आपने एक ऐसे इंट्रो बनाना है जिस पर आप लोग, बहुत सारे लोग इस पर मजबूर करेंगे कि आपकी वीडियो के अंदर रुक जाए, आपकी वीडियो एंड तक लाजमी देखे। मेरा इस तकरीबन 2 साल करीब हो गया कि मैं चैनल बनाने पर काम कर रहा हूँ। मेरा पहला एक और चैनल था, अब मैंने ये बनाया, इंशाल्लाह तीसरा चैनल भी बनाऊंगा, इस पर भी काम शुरू करूंगा। मेरा इसमें बहुत सारा तजुर्बा हो चुका है, इसी वजह से आप लोगों को बता दूँ कि पहले नंबर पर आपने जो काम करना है, अपने अपना इंट्रो सही बनाना है, एक अट्रैक्टिव जिस पर लोग आप लोगों की वीडियो के अंदर रुक जाए, आपके वीडियो मुकम्मल देखे, उस लोग सोचे कि शायद इस वीडियो के अंदर ऐसा किया है कि इसने पहले में एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। तो पहले अपने एक इंट्रो, ऐसे इंट्रो प्रोफेशनल इंट्रो बनाना है जिस पर आप लोग आपकी वीडियो के अंदर रुक जाए। अच्छा, नंबर 2 जो टिप है वो है आपने अपने लिए कोई ऐसी वीडियो, एक ऐसी कीवर्ड को रैंक करना है जिसके साथ आपका वीडियो रैंक करेगा। मिसाल के तौर पर एक वायरल टॉपिक ढूंढना है, किस तरीके से मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप व्लॉगिंग कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप एक आम सा कीवर्ड यूज़ करें कि मैं पेशावर जाता हूँ फिलहाल ये वो करना, ठीक है ना, तो आपका वीडियो कभी भी रैंक नहीं होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर डकी भाई की कोई वीडियो से कीवर्ड ले, या कोई जो भी विलागिंग की डिग्री के बड़े लोग की, आप इसकी डिग्री से कोई कीवर्ड ले, तो इसी के साथ आपका कीवर्ड यानी कि वीडियो रैंक होगा, आपका वीडियो वायरल होते जा रहा है। इसकी हैशटैग यूज़ करें तो इसी वजह से भी आपका वीडियो रैंक करेगा, आपका वीडियो वायरल होगा। तो आपने दूसरे नंबर पर यह ख्याल रखना है कि आपने एक ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना है और टॉपिक के अंदर आपने एक ऐसी कीवर्ड इस्तेमाल करना है जिस पर आप लोगों का वीडियो रैंक होगा, व्यूज़ आना शुरू होगा। तो अब दूसरा टॉपिक ये था, अब तीसरे टिप्स में आप लोग बता दूँ कि आपने अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना है। किस तरीके से एडिट करना है, बहुत सारी किस्म की वेबसाइट है, ऐप है, कैपकट प्रो है, यहाँ पर इनशॉट है। मैं अपने वीडियो खुद इनशॉट से एडिट कर रहा हूँ, आप जो भी किस से एडिट कर रहे हैं अच्छी तरीके से एडिट कर रहे हैं। आप इसके अंदर ऐसे ऐसे चीज़ यानी कि ऐसे ऐसे टेम्पलेट लगाए जिसके साथ लोग वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए, आपका वीडियो मुकम्मल एंड तक लाजमी देखेगा। आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट करें, मिसाल के तौर पर बोलना अच्छा नहीं आता तो वीडियो प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना सीखो, फिर भी आप लोग का लोग वीडियो देखेगा और व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। चौथा जो टिप्स है वो है थंबनेल, एक अट्रैक्टिव थंबनेल आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो आप लोगों के लिए एक लाजमी क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट। आप लोग अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट करना नहीं आता तो जाकर यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो, अपना स्किल लेके इसके साथ मेरे बहुत सारे वीडियो वहाँ पर मौजूद है कि आप किस तरीके से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर डबी डकी भाई की तरह थंबनेल क्रिएट करना है या अपने टेक की कैटेगरी के थंबनेल क्रिएट करना है, वो सारे वीडियो मैंने अपलोड किया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे थंबनेल क्रिएट करना है जिस पर लोग आप लोग की वीडियो अंदर जा चुके हैं, थंबनेल में ऐसे लिखाई करें कि लोग मजबूर होकर आपकी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए, आपकी वीडियो के अंदर जाए। अब मिसाल के तौर पर आप मेरे वीडियो के अंदर क्यों आए, आपने थंबनेल को देखा, थंबनेल देखने के बाद आप मेरे वीडियो के अंदर आए, ठीक है ना। इस तरीके से अपने एक अच्छी थंबनेल क्रिएट करना है कि इस पर लोग आप लोग की वीडियो के अंदर फौरन जाएगा, आपकी वीडियो के अंदर फौरन देखेगा। तो छोटे नंबर पर जो टिप है थंबनेल क्रिएट करना, अच्छी सी थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट करना।
आखिरी और लास्ट जो है वो है अपने वीडियो सही टाइम पर अपलोड नहीं करने। मिसाल के तौर पर इसकी बहुत सारी वजह हो सकते हैं। अगर आप एक दिन में वीडियो अपलोड करें फिर महीने बाद वीडियो अपलोड करें तो इस वजह से वेब का भी यूज़ नहीं आता। और दूसरा वजह ये कि अगर आप सुबह के टाइम वीडियो अपलोड करें या 2 बजे की वीडियो अपलोड करें या शाम के टाइम अगर वीडियो अपलोड करें तो अच्छा होगा, आपकी व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होगा यूट्यूब पर, आपका वीडियो रैंक हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से काम करें तो आपकी व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। आप एक दिन वीडियो अपलोड करें फिर महीने के बाद वीडियो अपलोड करें तो फिर भी आपका व्यूज़ नहीं आता। आप मुसलसल काम करें, हफ्ता बाद वीडियो अपलोड करें, दो दो दिन बाद वीडियो अपलोड करें तो फिर भी आपका व्यूज़ आ जाएगा। आप एक सारे सारे दिन वीडियो अपलोड नहीं कर रहे तो आपका व्यूज़ नहीं, सारे वो महीने वीडियो अपलोड नहीं कर रहे तो आपका व्यूज़ नहीं आएगा। और आपने टाइम को अच्छे से सेलेक्ट करना है, इसी के साथ आपका व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, ये 5 स्टेप्स है अपने पालो करना है, इस पर अमल करना है, इंशाल्लाह आपका व्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। मैंने खुद इस पर ट्राई किया, इस पर प्रैक्टिस किया, तो आप लोगों को भी सिखाता हूँ। अदरवाइज कोई भी किस्म का भी ट्रिक नहीं, जो लोग कहता है कि ट्रिक पर आकर काम करो तो सब झूठ है, आपने इस पर बिल्कुल काम नहीं करना, आपने बिल्कुल टिप्स को पालन करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फायदा होगा। तो जो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।